दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के नंबर वन मोटिवेशनल स्पीकर हर्षवर्धन जैन की। दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपने इनकी वीडियोस कहीं ना कहीं तो जरूर ही देखी होंगी। दोस्तों इन्होंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है। दोस्तों आज की इस लाइफ स्टाइल वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर्षवर्धन जैन की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी हर्षवर्धन जैन के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हर्षवर्धन जैन का रियल नेम ही हर्षवर्धन जैन है। इनका जन्म 1980 को एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। दोस्तों इन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट एंटोनी हायर सेकेंडरी स्कूल शिलोंग राजस्थान से कम्प्लीट की है। उसके बाद इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई राजस्थान कॉलेज जयपुर से कंप्लीट की है। दोस्तों प्रोफेशन से एक यूट्यूबर, डायरेक्ट सेलिंग और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हर्षवर्धन जैन के कैरियर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक क्रिकेट प्लेयर से की। दोस्तों आपको बता दें कि ये जब 15 साल के थे तभी से इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और ये क्रिकेट के इतने दीवाने हो गए कि ये पूरा दिन क्रिकेट ही खेला करते। दोस्तों उसके बाद इन्होंने ये त्याग दिया और इन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने की ठान ली और आज के समय में भारत के नंबर वन मोटिवेशनल स्पीकर हैं। दोस्तों आज के समय में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इन्हें ना जानता होगा। दोस्तों इनकी 5 से 10 मिनट की वीडियो ही किसी की लाइफ चेंज कर सकती हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हर्षवर्धन जैन की फैमिली के बारे में। दोस्तों हर्षवर्धन जैन मैरिटल स्टेटस से मैरिड हैं और स्क्रीन पर आप इनकी फैमिली की कुछ फोटोज देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हर्षवर्धन जैन की इनकम के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि हर्षवर्धन जैन प्रोफेशन से एक यूट्यूबर भी हैं और एक यूट्यूबर की कमाई कई सारे सोर्स पर निर्भर करती है। यूट्यूब पर इनके 3 से 4 चैनल हैं और यूट्यूब से ये हर महीने 25 से 30 लाख रुपए तक इनकम कर लेते हैं। इसके अलावा इनका एक सेल्फ बिजनेस भी है, उससे भी ये अच्छी खासी इनकम कर लेते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हर्षवर्धन जैन की नेटवर्थ के बारे में। दोस्तों आज के समय में हर्षवर्धन जैन का टोटल नेटवर्थ 25 से 30 करोड़ के बीच है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हर्षवर्धन जैन की हाउस के बारे में। दोस्तों राजस्थान में इनका एक आलीशान घर है और स्क्रीन पर आप इनके घर की कुछ फोटोज देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हर्षवर्धन जैन की कार्स कलेक्शन के बारे में। दोस्तों नंबर एक पर आती है मर्सिडीज बेंज जिसकी कीमत है 40 लाख रुपए। नंबर दो पर आती है टोयोटा की फॉर्च्यूनर जिसकी कीमत है 45 लाख रुपए। दोस्तों इसके अलावा भी इनके गैरेज में कई सारी शानदार गाड़ियों का कलेक्शन है जिसकी फोटोज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हर्षवर्धन जैन ने अपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है और सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे निकले हैं। दोस्तों आज के समय में हर्षवर्धन जैन की पहचान किसी की भी मोहताज नहीं है। इन्होंने अपना नाम अपने दम पर खुद बनाया है और आज के समय में ये भारत में ही नहीं बल्कि अन्य कई देशों में अपने काम के कारण जाने जाते हैं। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि सोनू शर्मा हर्षवर्धन जैन से अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस मोटिवेशनल स्पीकर पर चाहिए, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।